परवाणु में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। भाजपा और कांग्रेस के दिग्गजों को घेरने में अपने और पराये दोनों अहम भूमिका निभा रहे हैं। वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 6 से बेहद अहम माने जा रहे दोनों जीतने के लिए एड़ी चोटी पर जोर लगा रहे हैं। एक नंबर वार्ड में भाजपा के अपने ही वरिष्ठ नेता आरके भाटिया भाजपा प्रत्याशी राजनीति में निपुण और प्रदेश महिला आयोग की चेयरमैन डेजी ठाकुर को पटखनी देने के लिए तैयार हैं। वार्ड नंबर 6 में कांग्रेस के दिग्गज और नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर दास शर्मा को कांग्रेस के कार्यकर्ता बतौर आजाद उम्मीदवार उतर कर चुनौती दे रहे हैं। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट में उनके खिलाफ 30 आरोपों को एक पंपलेट निकालकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। वहीं ठाकुर दास शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि 2-3 व्यक्तियों के अलावा अगर कोई व्यक्ति उन पर भ्रष्टाचार का आरोप साबित कर दे तो वह राजनीति छोड़ देंगे। ठाकुर दास शर्मा ने कहा कि परवाणु के चंद लोग उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में केवल विकास किया है और अगर इन चंद लोगों को छोड़कर परवाणु की आम जनता भी कोई भी एक व्यक्ति यह साबित कर दे कि उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार किया है तो वह चुनावों से पहले ही परवाणु छोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं और भ्रष्टाचार तो दूर, वे अपनी जेब से पैसा खर्च कर शहर का विकास करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि पंपलेट निकालकर उनकी छवि धूमिल होने वाली नहीं है, परवाणु की जनता सब जानती है। ये तो बड़े देर से चला हुआ, लगभग कुछ 6 महीने से मेरे चला हुआ मेरे साथ ऐसा। आरटीआई भी लग रही है और कई किस्म की शिकायतें हो रही है, तो मैंने खुद मुख्यमंत्री को डायरेक्टर साहब को 4 दफा चिट्ठी लिखी है, 18/2/2018 को, मेरे ख्याल डेट एग्जैक्ट यही है शायद। मैंने पहली चिट्ठी ली, उसके बाद मैंने 4 चिट्ठी लिखी, भाई मेरे ऑफिस में क्या हाल है, मेरे ऑफिस में क्या प्रॉब्लम है, ना तो हाउस को भी अंधेरे में रखा जा रहा है, मेरे को भी अंधेरे में रखा जा रहा है और काम पूरे तरीके से नहीं ठीक चल रहा है। लेकिन ऊपर से कोई किसी ने मेरे गौर नहीं की और मैं नहीं चाहता था कि मैं अब लड़ाई झगड़े में पड़ जाता तो ना तो काम होने थे और जनता तो नहीं पसंद करती। एक रोड था गैब्रियल रोड, वो 4-5 महीने लेट हुआ बनने में, तो वहाँ के लोग हैं वो मेरे को लगे कहने के तो आपके और पूर्व अध्यक्ष के बीच झगड़ा है, सजा तो हमें मिल रही है, तो लोग, मैं नहीं चाहता था मेरी और उनकी वजह से या उससे सजा जनता को मिले। मैंने बड़े बीच का रास्ता ढूंढा, शांति से काम चलाया और मैं इनोसेंट भी था, जो काम करता है उससे गलतियाँ भी होती हैं, तो नहीं पता भी नहीं लगता किसी काम का कि पहले ट्रेंड और अब मैं पूरा ट्रेंड हूँ। अगर ऐसी कोई बात होगी, अब मौका नहीं मिलेगा, मेरे से गलतियाँ भी होंगी, लेकिन ऐसी कोई गलती नहीं है कोई मेरे ऊपर 1 रुपए का इल्ज़ाम लगा दे, जिसने जो मेरे ऊपर ज़्यादा बरस रहे हैं अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि ठाकुर दास ने 1 रुपया भी खाया हो। जिस आदमी ने 4th क्लास तक नंगे पैर स्कूल गया हो और बिल्कुल अपनी गरीबी से अपने आप को ऊपर एक कमरे के अंदर जिसने अपना जीवन शुरू किया हो, मेरे पिताजी 4 पाई पे सोते थे, हम सब भाई बहन जमीन पे सोते थे, जिस आदमी ने इस लेवल से ऊपर उठा हो वो बेईमान नहीं कर सकता, इससे नीचे आदमी कोई नहीं होगा, इससे गिरा हुआ आदमी कोई नहीं होगा। आज भगवान ने इतना ऊपर उठाया, कभी सोचा भी नहीं था हम यहाँ तक पहुँचेंगे। और मेरी ईमानदारी पर अगर कोई शहर के अंदर एक आदमी को, इन 2-3 आदमियों को जिनको दिक्कत है उनको छोड़ के अगर 3रा आदमी कह दे तो मैं परवाणु शहर छोड़ने के लिए तैयार हूँ।